नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी ठीक है, बस जैसे तैसे। आवाज से पता चल रहा होगा बहुत ही मतलब सर्दी लगा है मेरा, तो आवाज थोड़ा ऐसा आ रहा है। तो उपम गतमोना ब्लॉग में आप लोगों को सभी को स्वागत करते हैं। तो अभी दोपहर में खाना बना बना रही हूँ, तो सोचा कि ब्लॉग को भी थोड़ा स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और जो मेरे ओल्ड मेंबर है जो ब्लॉग को रोज देखते हैं, तो उनको ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स लोग। तो देख सकते हैं मेरा बेटा जो है वो दूध पी रहा है और बहुत ही गर्मी है। गर्मी में हालत देख सकते हैं कैसा, पूरा मतलब पसीना पसीना हो गया। और मैं घर में दो तीन दिन से ब्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा हालत भी ठीक नहीं है थोड़ा। तभी भी फिर सोचा मैंने कि थोड़ा ब्लॉग कर स्टार्ट करते, तो उसी वजह से। तो देख सकते हैं मैं अभी खाना बना रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने फ्राई कर लिया है बैगन और ये साग, तो अभी मैं इसको डाल दूंगी, उसके बाद ये ऐड करूंगी। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तब बच्चा भी जीप करता है। और बाबू का भी पूरा सर्दी लगा है इसका भी, क्योंकि कल हम लोग वहां पर गए थे उसका रिपोर्ट लाने, तो बारिश हुआ था, तो बारिश में हम लोग आए, तो इसकी वजह से और भी ठंडा लग गया है। तो प्रॉब्लम तो होता है, प्रॉब्लम को मान के चलना पड़ेगा, यही तो लाइफ होता है ना इंसान का। तो देखिए ये बाबू क्या कर रहा है। ने, 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 बहुत ही दुष्ट करता है। और उसका भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसकी वजह से ज्यादा वो तो कौन है ना मेरे को काट रहा है। हाँ, क्या बोले तो पापा क्या आचा क्या आचा टाटा कर रहा है वो क्या आचा पापी दिए देखते पापा पापी बोलो बोले तो पापी ओ गंदा नहीं करता ये पापा, और बहुत गंदा भी है ये, टूटता है। तो देखती हूँ खाना उसको गोदी चाहिए अभी, क्या आचा मम्मा का गोदी चाहिए। तो मेरा सब्जी हो रहा है, तो बाबू के साथ थोड़ा मस्ती कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हूँ पापा? मिट्टी, ये तुम्हारा टीट दिखाओ तो पापा, टीट 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 दिखाओ, टीट टीट पापा टीट टीट। तुम गंदा हो गए हो, गर्मी है, पसीना छूट रहा है। इधर इधर इतना सर्दी है क्योंकि फैन का हवा, मतलब फैन भी यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फैन का हवा देने से पूरा गला दर्द होता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा सर दर्द भी हो रहा है, गला भी पूरा दर्द हो रहा है और पूरा बॉडी में पेन ऐसा, क्योंकि बाबू मेरा सिजेरियन हुआ है ना, तो इसकी वजह से। जैसे कि मैं कल माटीकरा एक बार गई उसको लेके 10-15 मिनट का रोड पैदल, ज्यादा होगा 20 मिनट पकड़ लीजिए। फिर मैं चल के आई तो समझ सकते एक बच्चा लेके हाथ में बैग, मैंने सब्जी भी खरीद के लेके आई। मैंने सोचा उसका पापा छोड़ देगा, तो बारिश की वजह से उसका पापा भी नहीं आ पाया, तो इसलिए मैंने ऑटो में चली आई। तो इसकी वजह से तो इधर थोड़ा भीग भीग के भी आई, तो इसकी वजह से भी शरीर और भी खराब हो गया बाबू का भी। पापा इतना बदमाश है ना ये, पाजी पाजी पहुंचो तुम्हें पापा। तो मेरा सब्जी अभी हो रहा है, पापा ना 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 विष्णु ना बोलती तो मेरे घर में वो था, थोड़ा उसका पापा लेके आया था कुर्मा, तो वही दे ओ, कुछ ना कुछ उसका हाथ में चाहिए होता है, नहीं होने से वो पूरा चिल्लाता है, तो इसलिए घर में कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है हमेशा। यम्मी यम्मी बोले तो पापा
यम्मी यम्मी नच्चे अपने बोले दो बोलो ओहो ओ उसका टेस्ट देख सकते हैं ये मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया, इसका पूरा रेड रेड हो चुका है। तो अभी इसमें डाल दूंगी मैं ये मेथी और इसमें जीरा है और इसमें सब मिक्स, हम लोग जैसे पांच फूरन बोलते हैं इसको, तो ये मैंने डाल दी है। तो अभी मैं सोयाबीन को दूंगी, तो सोयाबीन भी अच्छे से फ्राई करने के इसको अलग कर दूंगी, उसके बाद मैं मेन प्रोसेस में जाऊंगी। सॉरी मैं अलग नहीं करूंगी, तो एक साथ में मिक्स करके मैं इसको फ्राई करूंगी थोड़ा टाइम। उसके बाद मैं ये देख सकते कमल का फूल का ये लता है, तो इसको मैं डाल दूंगी। तो इसमें मैं हल्का नमक और ऐड करूंगी। इसमें ऑयल थोड़ा कम हुआ है, तो मैं थोड़ा ऑयल ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो कमल, मतलब ये जो कमल का फूल का लता है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा हल्दी पहले ऐड किया था, तो अभी मैं थोड़ा हल्दी और ऐड करूंगी। जैसे आप अपने अनुसार के हिसाब से कर सकते हैं, तो मैं इतना ही ऐड करूंगी। और इसमें मैंने पहले थोड़ा नमक ऐड किया था, तो अभी मैं थोड़ा और ऐड करूंगी। तो मैं इतना, मेरे हिसाब से मैं इतना नमक दे रही हूँ और मुझे थोड़ा चाहिए। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। और इसमें मैंने ये, मतलब मैं निरामिष कर रही हूँ टॉर्टेली भेज, तो इसमें जीरा अदरक और इसमें मतलब मिर्ची, इसमें मैंने सिलपट्टा में मिक्स करके रखा है, तो इसको मैं दे दूंगी अभी। और थोड़ा पानी ऐड करूंगी मैं, मेरे पास ऑलरेडी गर्म पानी है, तो वही मैं ऐड करूंगी थोड़ा। तो आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं, तो मैं इतना ही पानी ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं। तो अच्छे से मैंने मिक्स किया। अभी इसको होने के लिए मैं मिनिमम 5 मिनट ऐसे होने के लिए दे दूंगी ढक दिया में। तो 5 मिनट बाद आके देखते हैं कैसा हुआ है। देख सकते हैं ये मेरा सब्जी बन के रेडी हो चुका है, तो बहुत ही टेस्टी हुआ है, देखने में पता लग रहा है। खाई नहीं हूँ, खाके भी आप लोगों को टेस्ट कराऊंगी कैसा है बोल के। और ये मैंने फाइनली जो बना लिया है, इसमें बैगन और जो साग है वो फ्राई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं खाना खाने बैठी हूँ, देख सकते हैं ये सब्जी और ये साग और ये चावल। तो मेरा बच्चा देखिए बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, ये खाने नहीं देगा। इसको लेके भी मैं नहीं खा सकती क्योंकि ये पूरा ये पकड़ पकड़ के कंडीशन खराब कर देगा। तो इसको मोबाइल थोड़ा देके खाना पड़ेगा, खाना उपाय नहीं है। थोड़ा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा हुआ है सब्जी। जिट्टी पापा जान तुम खा आ जिट्टी। तो फ्रेंड्स मैं खाना नहीं खाई हूँ, देख सकते हैं बाबू बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, देख सकते हैं। तो उसको मोबाइल देके भी खाना खाती हूँ, उसके बाद देख सकते आप लोगों से बात करती हूँ, बने रहिए। मैं थोड़ा बाहर आई हूँ इवनिंग का टाइम में, देख सकते बच्चा लोग पूरा खेल रहा है, टोटो है इसका पापा का है, तो बाबू भी यहाँ पर खेल रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है वो भी। तो मैं सोच रही थी मंदिर जाऊंगी, लेकिन वेदर देखिए पूरा बारिश होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, सामने है मेरा, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा। तो फ्रेंड्स देख सकते फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मंदिर। तो आप लोगों को भगवान का भी दर्शन करा देते हैं, ये भगवान। तो ये लॉक रहता है क्योंकि जब पूजा करते हैं तभी खोलते हैं, बाकी टाइम बंद ही रहता है। तो इसका लोकेशन भी बहुत ही सुंदर है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट छोटा मोटा करके वो ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली लेके आ चुके हैं, ये देख सकते हैं, इसी के लिए मैं गई थी, बहुत ही मुश्किल से मिला है। अभी आके थोड़ा बैठी मंदिर में बाबू के साथ, पूरा आँख फूल गया मेरा, पूरा शरीर पूरा ही खराब है, तो कुछ स्माइल वगैरह भी नहीं हो रहा है। और मैं देखिए कुछ भी, मैं 2-3 दिन से शायद बाल भी नहीं बनाई हूँ, इतना हालत खराब हो गई है, फिर भी वीडियो कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और घर का काम भी इतना अच्छे से तो नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी इतना मतलब वो होता है ना कभी कभार, समझ सकते हैं। बाबू देखिए उठ रहा है, ओके अकेले जा रहा है ऊपर चढ़ के। सिस्टर ये भी मंदिर में आइए, हाई कर दो, हाई। क्या नाम है तेरा? शिमोली। तो ये मंदिर आके कितना खुश हो रहा है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ये जो मतलब बल लगा हुआ है, तो इसका देखो कितना खुश है कि तो खुद का भी बचपन का याद आती है, जैसे कि एक कविता है ना इस तरह की। अभी तो उन लोग का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ खेलना कूदना खाना पीना मस्ती करना। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात का 10 बज रहा है, मेरा आँख पूरा
मतलब पानी निकल रहा है ऐसा हो गया, सर्दी में पूरा नाक बंद हो जा रहा है। अभी रात में ज्यादा होता है, दिन में उतना वो नहीं होता है। तो बाबू सो गया, उसके साथ ना मैं भी सो गई थी, तो मच्छर काटा तो इसलिए उठ गई मैं। और रात को मैंने चना दाल फिर से बनाया मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उसको पसंद नहीं और दूसरा सब्जी उसको उतना पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है। तो फ्रेंड्स आज मैंने अपना जो दोपहर का रूटीन वो सभी आप लोगों के साथ शेयर किया, किस तरह से बाबू को साथ लेके मैं हैंडल करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे तक जा सकूं। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग की सपोर्ट के बिना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान का कृपा और आप लोग के प्यार के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स मैं इतना प्रॉब्लम में भी आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो समझ सकते हैं कुछ ना, मतलब जैसे कि हर कोई इंसान मतलब कुछ काम में प्यार होता है, तो मेरे को भी मतलब ऐसा होता है ना, एक दिन वीडियो शूट नहीं करने से मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी हो मैं अगर एक वीडियो डाल देती हूँ तो मेरे को भी शांति मिलती है। तो जो भी हो, तो अभी तक मेरा हस्बैंड नहीं आया है, 10 क्रॉस हो रहा होगा शायद, तो अभी वो आ रहा होगा शायद, उन गया था मेरे को। तो उसके बिना मैं भी रात को खाना नहीं खाती, क्योंकि वो दिन भर नहीं खाता है ना, तो अकेले दोपहर तो खा लेती हूँ लेकिन रात को नहीं खाता है दिन भर, तो इसलिए मेरे को भी शांति नहीं लगती। जो भी वाइफ है वो लोग समझते होंगे। तो अभी मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि ब्लॉग में मतलब वो नहीं किया, एंड नहीं किया, तो इसलिए मैं चली आई फिर। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को एंड करूंगी, तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। तो प्लीज कमेंट में बताएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से।